Hello guys, welcome back to Skyview Education. Today we are going to discuss about the structure of the RNA and solving MCQ. Let's start to discuss about it. यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है tRNA का, तो और उसके हिसाब से जो MCQ पूछे जाते हैं वो आपको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी कि आप कैसे सॉल्व कर सकोगे, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। तो अब हम चालू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डायग्राम दिया गया है tRNA का, तो यहाँ पे 3' एंड पे एक्सेप्टर आर्म है। यहाँ पे ये हमको चार लूप देखने को मिलेगी और एक जगह पे ये आर्म देखने को मिलेगा। तो ये है क्या है एक्सेप्टर आर्म, ए सी सी 3' एंड पे एक्सेप्टर आर्म है जहाँ पे अमाइनो एसिड आएगा और अटैच होगा। ओके, देन यहाँ पे 3' एंड पे ही यहाँ पे आएगी टी साइन सी लूप, उसको हम बोलते हैं राइबोसोमल बाइंडिंग लूप। ये जो लूप होती है वो 7 बेसिस की बनी हुई होती है। ओके, तो यहाँ पे टी साइन सी लूप क्यों बोलते हैं, क्योंकि थाइमिडिन स्यूडो यूरिडिन साइटिडिन, ओके, इसलिए इसको बोलते हैं टी साइन सी लूप। ओके, यहाँ पे आपको एक अलग से लूप दिख रही है वो है वेरिएबल लूप। देन यहाँ पे आप ये जो लूप देख रहे हो एंटी कोडन लूप है। ओके, हमको पता है कि जो mRNA है उसमें कोडन होते हैं और यहाँ पे जो बनेगा वो एंटी कोडन बनेगा, जैसे कि AUG है तो यहाँ पे जो बनेगा वो एंटी कोडन बनेगा उसका। ओके, तो यहाँ पे ये कोडन है ये एंटीकोडन, इसलिए इसको बोलते हैं एंटीकोडन लूप, एंटीकोडन आर्म एंड लूप। ओके, देन यहाँ पे आप एक लूप देख रहे हो वो है डी आर्म लूप, ये 5' एंड पे होगी। DHU लूप भी बोलते हैं उसको और डाइहाइड्रो यूरिडिन लूप। देन अमाइनो एसाइल सिंथेस्टेज बाइंडिंग लूप, ये जो लूप होती है वो 8 to 12 बेसिस की होती है। ओके, ये मैंने आपको पूरा का पूरा ऐसे समझा दिया कि ये लूप है, ये नाम दे दिए मैंने। बट आप बोलोगे मैम ये क्या है, ये तो हम वैसे भी देख लेंगे, आप ये क्या पढ़ा रहे हो, बेवकूफ़ वाली बात है ना। तो आपको ये याद कैसे रखना है, आपको याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो 3' एंड है उसके साथ जो आएगी लूप वो टी साइन सी लूप है। तो अब याद कैसे आप याद रखोगे कि 5D याद रख लो, 5D 5' एंड पे कौन सी लूप है, डी आर्म लूप है, तो आपको ऑटोमेटिकली उसकी अपोजिट याद रह जाएगी। 5' एंड पे डी आर्म लूप है और 3' एंड के बाजू वाली जो लूप है वो टी साइन सी लूप है। ओके, तो आपको ये पूरे डायग्राम में एक ही चीज याद रखनी है, वो क्या है, 5D। ओके, तो ये एक्सेप्टर आर्म हुआ, ये एंटीकोडन आर्म हुआ, वो तो हमको पता चल गया। तो ऐसे आपको याद रखना है, आपको एक सिंपल 5D आप याद रखोगे तो आपको इजीली याद रह जाएगा पूरा का पूरा डायग्राम। ओके, अब हम इसका एक एमसीक्यू है वो सॉल्व करते हैं। आइडेंटिफाई द लेबल्स ए बी सी एंड डी इन द गिवन स्ट्रक्चर ऑफ tRNA, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे लेबल्स दिए गए हैं tRNA के स्ट्रक्चर पे, तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्या नाम है। ओके, जैसे कि मैंने बताया था कि 5' एंड पे 5D याद रख लो, तो 5D मतलब डी आर्म लूप। ओके, तो पहले हमको क्या देखने का कि 5' एंड पे क्या है, तो यहाँ पे डी दिया गया है, तो डी में DHU लूप। ओके, ये दो ऑप्शन आएंगे। ओके,
तो यहाँ पे ये तो हमको पता चल गया, फिर हमको पता है कि नीचे वाला है वो एंटीकोडोन है, तो सी है वो एंटीकोडोन है, तो ये आ गया ऑप्शन बी। तो यहाँ पे आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, आराम से आपको याद रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये लेबल है ए वाला वो अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट है, और यहाँ पे जो बी लेबल दिया गया वो टी साइन सी लूप है, क्योंकि 3' एंड पे आता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, और ये जो है सी, यहाँ पे लेबल दिया गया वो एंटीकोडोन लूप है, तो आपको यहाँ पे कितनी सेकेंड लगी? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में आपको ये पता चल गया, 2 सेकेंड नहीं, चलो 5 सेकेंड में पता चल गया, 5 सेकेंड में आपको इसका आंसर आ गया। आप टाइम लोगे तो ज्यादा से ज्यादा 10 सेकेंड से ज्यादा ये आपको क्वेश्चन टाइम नहीं लेगा। सो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। ओके, और आपके मार्क्स गेनिंग क्वेश्चन होते हैं, डायग्राम के क्वेश्चन होते हैं, वो कभी भी उसको देखकर घबरा मत जाओ बच्चा लोग, आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो आपको यहाँ पे देखा ना, एक आपको याद रह गया, क्या याद रखना है? 5D याद रखो, आराम से क्वेश्चन सॉल्व। और यस, आई होप सो कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छी लगी होगी, और आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।